कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरिओम नारायण। अष्टावक्र गीता प्रकरण 18वां सूत्र 15 अनुवाद। जिसने जगत को देखा है वह भला उसे इनकार भी करे, लेकिन वासना रहित पुरुष को क्या करना है? वह देखता हुआ भी नहीं देखता है। अर्थात व्याख्या, जगत को स्वीकार करने वाला, उसी को सत्य समझने वाला तो वासनाग्रस्त है ही, क्योंकि जिस प्रकार की उसकी रुचि संसार में है, जिस दृष्टि से वह संसार को देखता है, वह सब वासना के ही कारण देखता है। कभी-कभी शास्त्रों के वचनों को सुनकर उसकी मोक्ष प्राप्ति की वासना जाग उठती है, जिससे वह भी ज्ञानियों की भांति कहने लगता है, संसार माया है, भ्रम है, असत्य है, संसार है ही नहीं, वह रस्सी में सांप की भांति के समान है, किंतु उसने ऐसा जाना नहीं जैसा ज्ञानी ने जाना है। इसीलिए उसका संसार को इनकार करना भी झूठ है, पाखंड है, वासना मात्र ही है, क्योंकि मोक्ष की वासना पूर्ति हेतु वह इसे इनकार कर रहा है, संसार से भाग रहा है, हिमालय जा रहा है। इसीलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि ज्ञानी इससे भिन्न स्थिति वाला है, क्योंकि वह वासना रहित हो चुका है, वह संसार को देखता हुआ भी नहीं देखता है। क्योंकि क्योंकि उसे वह निर्मूल ज्ञात नहीं होने लगा है, वह नित्य आत्मा को ही सर्वत्र देखता है, संसार को नहीं। फिर से पढ़ते हैं, बहुत अच्छा है। इसीलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि ज्ञानी इससे भिन्न स्थिति वाला है, क्योंकि वह वासना रहित हो चुका है, वह इस संसार को देखता हुआ भी नहीं देखता है, क्योंकि उसे वह निर्मूल्य ज्ञात नहीं होने लगा है। वह नित्य आत्मा को ही सर्वत्र देखता है, संसार को नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरिओम नारायण।